आज मसाला किचन में बन रहे हैं दही के शोले, जो कि स्ट्रीट स्टाइल है। ये दही के शोले बहुत ही अमेजिंग टेस्टी से मिलते हैं। इस पर भीड़ लगी रहती है, लोगों को बेहद पसंद आते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं इसे घर में। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे, जो भी आपके घर में ब्रेड होगी। स्ट्रीट स्टाइल दही के शोले हमने कई बार खाए, आज बनाएंगे दो तरीके से। यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ पर दही के शोले दो तरीके से बताऊंगी, फ्राई करके भी और बेक करके भी। आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि आपको कौन से वाले खाने का मन है। तो यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। ये मेरे पास नॉर्मल वाली ब्रेड है, आप चाहें तो बड़ी ब्रेड ले लें तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैं आज आपको जोड़ जोड़ के छोटी ब्रेड से भी बनाना बताऊंगी। ब्रेड के सारे साइड्स आप काट लीजिए। इन ब्रेड्स के साइड्स को अलग करना है, लेकिन फेंकना नहीं है। इससे मैंने कई टाइप की रेसिपी दी है, जैसे इसके स्नैक्स बन जाते हैं और इसके हम कपकेक भी बना सकते हैं। तो इन्हें आप अलग रख दीजिए। ब्रेड के साइड मैंने काट के रख दिए, इन्हें हम अलग रखते हैं। यहाँ लिया है मैंने दही। ये करीब 300 ग्राम दही था, जिसे मैंने कपड़े में बांध लिया है। बिल्कुल थक्का सा बन गया है, हंग कर्ड जिसको हम बोलते हैं। 150 ग्राम लिया मैंने पनीर, जिसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। दही और पनीर को एक साथ मिला लेते हैं। याद रहे, दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसकी कम ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं या किसी एक चीज से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक बड़ी गाजर, जिसे मैंने छील कर ग्रेट कर लिया है। खूब सारा हरा धनिया, आप चाहें तो इसमें और सब्जियाँ जैसे फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजर ये बहुत अच्छी लगती है इसमें। इसमें खूब सारी आप हरी मिर्च डाल दीजिए, क्योंकि हम लाल मिर्च इसमें नहीं डालेंगे। अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इन सब को हमें मिक्स करना है। इस मिश्रण से करीब करीब आपके 12 दही के शोले बन जाएंगे। और हाँ, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, पनीर ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं, खूब सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं। इसे हम अलग रख लेते हैं। अब यहाँ लिया है मैंने 3 टेबलस्पून के आसपास मैदा। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इसे घोल बना लेते हैं, लेकिन घोल हमें गाढ़ा चाहिए। मैदे के बदले आप बेसन ले सकते हैं या चावल का आटा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे आप पॉलिथिन के ऊपर भी बेल सकते हैं ब्रेड को, या बिना पॉलिथिन के भी। इसे हमें बेलना इसलिए होता है कि हम इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं, ब्रेड आराम से फोल्ड हो जाएगी। बिना पॉलिथिन के भी मैं आपको यहाँ पर बेल के दिखा रही हूँ। बहुत ही आराम से ये ब्रेड बेल जाती है। खूब सारी ब्रेड्स आपने इस तरीके से बेलना है। इस स्नैक्स के साथ जो खास बात है, हम इसे बिना फ्राई के भी बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, उसका रिजल्ट देखिए कितने क्रिस्पी बन जाते हैं बिना फ्राई के भी। अब यहाँ पर मैंने पॉलिथिन रखी है, वो रखना बहुत ज़रूरी है। और एक के ऊपर एक ब्रेड रख दी है, उसे मैंने पानी से जोड़ दिया है। अब ये जो पेस्ट बनाई थी, उससे सब तरफ से लगा देना है। फिलिंग का एक चम्मच भर के आप रखिए और धीरे धीरे ब्रेड को फोल्ड कीजिए, पन्नी को नहीं। जब ब्रेड पूरी फोल्ड हो जाएगी, तब आप पॉलिथिन को भी फोल्ड कर दीजिए। अब दोनों हाथों को अपोजिट साइड में दबाइए। दोनों अलग अलग दिशा में जब दबाओगे, तब ये शेप का ये दही के शोले बन जाएंगे, जो हमें स्ट्रीट स्टाइल मिलते हैं। आप किसी और शेप से भी इसे बना सकते हैं, पर मार्केट में ऐसे ही मिलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे बनाकर अलग रखने हैं। ब्रेड आपका मन है कि एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं या थोड़ा सा अलग अलग भी रख सकते हैं। जब यहाँ पर आप अच्छे से टाइटली दोनों तरफ मोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, चाहे ऑयल में आप डालकर फ्राई करेंगे आप इसे।
मार्केट में जो दही के शोले बनते हैं बड़ी बड़ी ब्रेड से बनते हैं, हमारे पास होती है छोटी ब्रेड, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है लेकिन बन जाते हैं। पन्नी को टाइटली आप फोल्ड कर दीजिए और दोनों तरफ से मोड़ दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया शेप ये बन जाता है। आप इसे चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं 2-4 घंटे, उसके बाद फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे अभी फ्राई करेंगे और मैं अभी आपको बताऊंगी कि बिना फ्राई के हम इसे कैसे बना सकते हैं। गैस पर रख रही हूँ मैं एक कढ़ाई, यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं या जिसमें भी आपको बनाना है, अवन में, माइक्रोवेव में, जिसमें भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर रख दें। अब ये रोल आप रख दीजिए 2-3 जो आपको मन करे, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और इसे 180 डिग्री पर रख दीजिए करीब करीब इसे क्रिस्पी होने तक, पर क्रिस्पी होने में कम से कम इसे 12 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए अगर ऑयल नहीं खाना है तो इस स्नैक्स को बेक भी कर लेते हैं। आप नॉर्मल शेप भी बना सकते हैं अगर आपको इस तरीके का शेप नहीं बनाना है। अब ये देखिए जो हम कढ़ाई में डालते हैं तो ऑलरेडी जो ब्रेड के ऊपर पानी होता है जिसकी वजह से ऑयली बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये खास बात है इसकी। कढ़ाई में जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, तो इस तरीके से गोल्डन क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से हम और भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्नैक्स के साथ आपको कई टाइप की चटनियाँ बनाकर खिलाई हैं, आप ये ज़रूर बनाइए। इसके साथ कोई भी चटनी बना सकते हैं, हरी चटनी, इसके टमेटो सॉस के साथ भी ये बहुत पसंद आएगी, सेजवान सॉस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपने ये दही के शोले कौन से रेस्टोरेंट में खाए हैं या किसी स्ट्रीट साइड में खाए हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बन जाते हैं ना ये, और काफी सारे। यहां मैं आपको दिखाती हूं कितनी बढ़िया आवाज है। इसकी आवाज सुन के लग रहा है आपको कि कितना क्रिस्पी है। चलिए हम कट करके भी दिखाते हैं। अब ये बाहर से इतने क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट मुलायम फिलिंग के साथ बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इसी शेप में कटे हुए हमें मिलते हैं मार्केट में भी। साथ में आप 2 चटनी रखिए, टमेटो केचप या हरी चटनी, साथ में प्याज के लच्छे भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके दही के छोले। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे बेकिंग वाले कैसे बने हैं। आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में भी बना सकते हैं या फिर अवन में बना सकते हैं। क्या आप भी घर में दही के शोले बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये देखिए करीब 12 मिनट बेक होने के बाद मैं बेकिंग ट्रे को निकाल कर आई हूँ। ये क्रिस्पी कितने यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। ये जो पहला वाला है ज़्यादा डार्क लग रहा है, जो 2 दूसरे हैं वो कम डार्क लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? जो पहले वाला था उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल से ब्रश किया था और बाकी 2 में नहीं किया था, तो फर्क ये होगा। आपको भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना होगा जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और ब्राउन कलर भी आएगा। तो आपका भी मन करे बिना ऑयल के दही के छोले खाने का तो इस तरीके से जरूर बनाइए। टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, बस आप ऑयल खाने से बच जाएंगे। तो लीजिए दही के छोले बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन।